मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है ट्रेंजियो। ट्रेंजियो उस टाइम एक एयरपोर्ट पर जाता है और जब वो एयरपोर्ट पर जाता है तो हम उसे काफी परेशान देखते हैं। देखने से लग रहा था कि शायद उसकी कोई फ्लाइट मिस हो गई है, लेकिन असल में उसकी फ्लाइट मिस नहीं हुई थी बल्कि सच तो कुछ और ही था। इसके बाद रिसेप्शन पर जाता है और वहां से पूछता है कि वेस्ट जाने वाली फ्लाइट कब निकलेगी। तब उसे बताया जाता है कि 2 घंटे बाद निकलेगी। तभी सुनने के बाद ये टिकट लेता है जिससे कि ये टर्मिनल को क्रॉस कर सकेगा। इसके बाद यहीं पर हम एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपनी एक फ्रेंड जो कि न्यूयॉर्क में थी उसे वीडियो चैट कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी फ्रेंड बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर ये लेडी जो एयरपोर्ट पर थी ये काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इस टाइम ये अपने फ्रेंड की मदद नहीं कर सकती। यहाँ पर कुछ लोग टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर न्यूज देते देते बेहोश हो गई है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि बाहर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेहोश होकर जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को भी इसकी वजह नहीं पता। अब जो लोग ये न्यूज देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये जरूर कोई ना कोई जोक है क्योंकि इस तरह एकदम से लोग बेहोश कैसे हो सकते हैं। लेकिन ट्रेंजियो जानता है कि ये कोई जोक नहीं है बल्कि ये एक सीरियस सिचुएशन है। यहाँ पर ट्रेंजियो कहता है कि ये अब उसका टाइम है, अब उसे एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए वो फौरन से टर्मिनल की तरफ जाता है और वहाँ पर जैसे ही गार्ड डिस्ट्रैक्ट होता है तो ये फौरन से उसकी गन छीन लेता है और सब लोगों से कहता है कि कोई भी मेरे रास्ते में ना आए। इसके बाद ये फौरन से प्लेन की तरफ जाता है और वो फ्लाइट मॉस्को की तरफ जा रही थी और कुछ ही देर में इस फ्लाइट में उड़ना था। ये प्लेन में मौजूद सभी लोगों को गन पॉइंट पर लेता है और प्लेन को फौरन से उड़ाने के लिए कहता है, लेकिन जो असली पायलट था वो अभी तक प्लेन में नहीं आया था। लेकिन जो को पायलट होता है वो इस टेररिस्ट की हेल्प नहीं करना चाहता, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से एक गोली उस पायलट को लग जाती है, इसीलिए वो जख्मी हो जाता है। ये गोली उस पायलट के हाथ में लगी थी। अब इस सारी सिचुएशन की वजह से वो सारे पैसेंजर्स काफी परेशान थे और फ्लाइट अटेंडेंट इन सबको हौसला दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद ट्रेंजियो कॉकपिट से बाहर आता है और सबसे पूछता है क्या बोर्ड पे कोई और पायलट है। अब ये सुनकर एक लेडी उठती है जो कि असल में एक रिटायर्ड पायलट थी और ट्रेंजियो के ऑर्डर पर वो आखिरकार टेक ऑफ ले ही लेती है। अब गोली की वजह से प्लेन के एवियोनिक्स टूट चुके थे, इसीलिए कोई भी प्लेन से बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए अब मजबूरन उन सभी को ये सफर करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये लोग रिटायर्ड पायलट यानी कि सिल्वी से पूछते हैं कि क्या वजह है कि इतने इमरजेंसी में टेक ऑफ करवा रहा है, जिस पर वो बताता है कि नेटो में मुझे ऑफिसर असाइन किया गया था और मुझे कुछ ऐसी बातें पता है जो किसी और को नहीं पता। फिर जब बार पायलट जिद करती है असली वजह पूछने पर तो वो बताता है कि असल में सनरेज डेडली हो चुकी है और अगले दिन के स्टार्ट पर ही सूरज की रेज की वजह से सारे लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि वो लोग भी जो कि घरों के अंदर होंगे। वो बताता है कि ये तो पहले ही जापान और कोरिया में हो रहा है और अब सूरज का अगला टारगेट ये प्लेन होगा अगर सूरज की रेज इस पर पड़ गई तो। तब इस बात पर वो पायलट यकीन नहीं करते और कहते हैं कि शायद तुम पागल हो। तब ये सुनकर ट्रेंजियो कहते हैं कि शायद मैं आपको पागल लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। वो पायलट मैथ्यू जिसके हाथ में शूट लगा था उसके हाथ से खून बह रहा होता है। तो प्लेन में मौजूद एक लेडी जो कि मेडिकल प्रोफेशनल होती है वो ये जिम्मेदारी लेती है कि मैं पायलट की मदद करूंगी। यहाँ पर वो लेडी हॉट नाइफ का यूज करती है ताकि वो उस पायलट के हाथ से उस गोली को निकाल सके। अब इस वजह से पायलट को बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स भी उसकी वजह से परेशान हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैथ्यू जानता था कि उसे सब्र से काम लेना चाहिए क्योंकि सबकी जिंदगी अब उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर मैथ्यू सबको बताता है कि हम उसी जगह पर लैंड करेंगे जहाँ पर लैंड करने का ट्रेंजियो हमें कह रहा है, बजाय उस जगह पर लैंड करने के जहाँ पर हमने सोचा था। यहाँ पर मैथ्यू को लगता है कि फाइटर जेट्स लाजमी आ रहे होंगे उन्हें रेस्क्यू करने के लिए क्योंकि उन्होंने ये प्लेन इसीलिए उड़ाया था क्योंकि उसे इन्हीं मैथ्यू को गन पॉइंट पर लिया गया था। लेकिन दूसरी पायलट इन्हीं सिल्वी को ऐसा नहीं लग रहा था, उसे नहीं लग रहा था कि कोई उनकी मदद करने के लिए आएगा। वहाँ एक और पैसेंजर को जब ये बात पता चलती है कि सन रेज सबको मार रही है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो पायलट्स पर शक करने लगता है, यानी कि सारे पायलट्स उनसे झूठ बोल रहे हैं। इस पैसेंजर का नाम अयाज होता है। इसके बाद हम एक और पैसेंजर को देखते हैं जो कि अरबी होता है। ये पैसेंजर एकदम से खांसी करने लगता है और देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर अयाज ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो इसकी हेल्प कर रहा है और इसी सब के बीच वो ट्रेंजियो से उसकी गन छीन लेता है। इसके बाद ट्रेंजियो को वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है और बाकी सभी पायलट से पूछा जाता है कि आखिर सच क्या है। तब पायलट सबको बताता है कि हम लोग वेस्ट में लैंड करने वाले हैं। वो बताता है कि हमारा प्लान आइसलैंड में लैंड करेगा क्योंकि ट्रेंजियो चाहता है कि हम वेस्ट में जाएं। तो वहां पहुंचने पर पुलिस टेररिस्ट को अरेस्ट कर लेगी और बाकी सब लोगों को आजाद कर दिया जाएगा। वो इन लोगों को सूरज के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि ट्रेंजियो को लगता है कि सूरज की रेज लोगों को मार रही है। तब इस पर बाकी पैसेंजर्स को भी याद आता है कि उन्होंने भी काफी अजीब चीजें देखी हैं, इसीलिए वो सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज के लिए परेशान होते हैं। तब इस पर पायलट मैथ्यू उन सबसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एज अ कैप्टन आप सबकी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं आप सभी को बचा लूंगा। इस
के बाद हम देखते हैं कि ये प्लेन वेस्ट में पहुंच जाता है और ये प्लेन आइसलैंड में लैंड करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो पायलट देखता है कि यहाँ पर तो पहले ही बहुत सारे प्लेन्स हैं और इतने ज्यादा प्लेन्स होने की वजह से कुछ प्लेन्स तो क्रैश भी हो गए हैं और तो और यहाँ पर लैंड करने की जगह भी नहीं है, लोग भी इधर उधर भाग रहे हैं, जिससे पायलट को यकीन हो जाता है कि ट्रेंजियो सच ही कह रहा था। लेकिन अब क्योंकि इनके पास लैंड करने की कोई और जगह नहीं है तो ये सोचते हैं कि थोड़ा आगे जाकर स्कॉटलैंड में लैंड करेंगे। इसके बाद ट्रेंजियो को वॉशरूम से बाहर निकाला जाता है और उसे कहा जाता है कि सबको इस सिचुएशन के बारे में बताओ, यानी कैसे सूरज की रेज सबको मार रही है। ट्रेंजियो कहता है कि मुझे सबके बारे में मेरे सीनियर से पता चला और मैं तो खुद भी नहीं जानता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये सब कुछ कब खत्म होगा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर हमने बचना है तो हमें सूरज से कहीं दूर लैंड करना पड़ेगा, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सूरज की रेज ना पहुँचती हो। अब यहाँ वही अरबी जो कुछ टाइम पहले बेहोश हो गया था वो अभी भी जिंदा होता है और बड़ी ही मुश्किलों से वो सांस ले रहा होता है। वो बस मरने ही वाला होता है और अपनी आखिरी सांसों में वो सबको बताता है कि मैंने डायमंड्स स्वेलो कर लिए थे। अब यहाँ पर वो नर्स पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से इस आदमी के अंदर से उन डायमंड्स को निकाल दिया जाए, लेकिन उसकी कोशिशें नाकामयाब ही रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। अब ये लैंडिंग काफी मुश्किल थी और प्लेन एक दीवार को हिट करने ही वाला था, लेकिन बड़ी मुश्किलों से कुछ ही सेकंड्स पहले आखिरकार ये प्लेन को रोक ही लेते हैं। अब जैसे ये सारे लोग लैंड करते हैं तो इनके पास बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं इनकी फैमिलीज की तरफ से। इंटरनेट पर भी हर तरफ न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जाता है कि आधी दुनिया के लोग तो मर चुके हैं सूरज की रेज की वजह से और आधे अभी बचे हुए हैं। ये एयरपोर्ट खाली था क्योंकि लोग यहाँ से भाग चुके थे। अब ये लोग डार्क प्लेस को ढूंढ रहे थे कि कहीं पर भी इन्हें डार्क प्लेस मिले और ये वहाँ पर चुप जाए, जबकि न्यूज में बताया जा रहा था कि अगर सूरज निकलता है तो तब अगर कोई इंसान बंगल में जाकर भी चुप जाए तो वो भी मर जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी पैसेंजर्स को भी वेस्ट की तरफ ही फ्लाई करना था, इसीलिए ये सारे अपना जरूरी सामान और सप्लाईज को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इनमें से एक आदमी जो कि अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहता था उन सबसे लड़ रहा होता है कि मुझे वेस्ट की तरफ नहीं जाना, इसलिए यहाँ पर उसे अलाउ किया जाता है कि वो वापस जा सकता है। अब इनका अगला स्टॉप था कनाडा और वहाँ जाकर ये अपने प्लेन का फ्यूल दोबारा से भरेंगे और अपने रेडियो को फिक्स करेंगे। कुछ ही टाइम के बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है जिससे सभी लोगों को उनके मैसेजेस मिलने लगते हैं और ये मैसेजेस उन सबके प्यारों के आखिरी मैसेजेस थे क्योंकि अब उन सबकी मौत हो चुकी है। तभी एक आदमी सब लोगों को बताता है सूरज की वजह से लोगों की मौत इसीलिए हो रही है क्योंकि इसकी वजह प्लेरिटी है। अब इनमें एक आदमी था जो कि क्लाइमेट एक्सपर्ट था, वो ये जानता था कि सन प्लेरिटी क्या होती है। वो बताता है कि हर 11 साल के बाद सूरज का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है, लेकिन इस बार सूरज की रिवर्स होने की डेंसिटी थोड़ी कमजोर देखी गई। उसका कहना था कि जमीन में हर उस जगह पर गामा रेज का ब्लास्ट किया गया है जहां जहां तक सूरज की रोशनी आती है और इन्हें गामा रेज की वजह से ही लोग मर रहे हैं। अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए भी इनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अयाज को एक नई रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया गया कि आरएएफ के सर्विसमैन जो कि इन्होंने पिक किए हैं और इस टाइम इनके प्लेन में हैं, वो असल में टेररिस्ट हैं जो कि अफगानिस्तान से आए हैं। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हें इनकी कंट्री में वापस लेकर जाया जा रहा था। बाहर हम देखते हैं कि उनमें से एक टेररिस्ट एक बूढ़े आदमी से लड़ रहा होता है और बाद में उसे धक्का देता है जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। अब ये बात जब पायलट को पता चलती है तो मेन पायलट ये डिसाइड करता है कि वो उन टेररिस्ट को कनाडा में छोड़कर अपने फर्दर एक दूसरी फ्लाइट लेंगे। इसके बाद ये लोग लैंड करते हैं और अब सूरज निकलने में सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। यहाँ पर उन टेररिस्ट को कहा जाता है कि आप रेडियो को रिपेयर करने के लिए यहाँ आसपास कोई शॉप देखें। तब इस बात पर वो 2 पैसेंजर्स को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं चल ठीक है हम शॉप ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन साथ में जेकब और गैब्रियल को लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर जेकब को तो सारे प्लान का पता था लेकिन गैब्रियल को इस बारे में नहीं पता था। फिर जब जेकब और गैब्रियल टेररिस्ट के साथ जाते हैं तो जेकब उन टेररिस्ट को रूम में लॉक करता है और गैब्रियल को अपने साथ लेकर भागना चाहता है, लेकिन गैब्रियल जिसे प्लान का नहीं पता था वो उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। जेकब फौरन से प्लेन की तरफ भागता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो यहाँ पर खड़े होकर गैब्रियल को उसके साथ जाने के लिए मनाता, इसीलिए वो फौरन से ही प्लेन की तरफ जाता है जबकि टेररिस्ट उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ पर गैब्रियल इस सिटी में रह गई थी और उसके बगैर ही प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और वो टेररिस्ट जो कि जेकब का पीछा कर रही थी वो प्लेन की विंडो पर बुलेट से शूट करते हैं। अगर प्लेन अपना लेवल एल्टीट्यूड मेंटेन रखता है तो ये विंडो नहीं टूटेगी। इस प्लेन में एक बच्चा भी होता है जो कि काफी बीमार होता है और यहाँ पर अयाज उससे बात करने की कोशिश करता है कि शायद वो उसकी कोई हेल्प कर सके, लेकिन उस बच्चे की मदर उसे कहती है कि दूर रहो मेरे बच्चे से, इसे बात मत करो। लेकिन तभी इन्हें हवाई से किसी जगह से रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं। अब इन सिग्नल से इन्हें पता चलता है कि हवाई में कुछ पैसेंजर्स हैं जो कि अंडर वाटर बंकर में हैं और उस बंकर की वजह से ही वो अभी तक जिंदा है। अब मैथ्यू पायलट उन्हें बचाने के लिए जाना चाहता था, तब दूसरी पायलट कहती है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि मैसेज क्लियर भी है या फिर नहीं, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए जाना शायद ठीक नहीं होगा, उन्हें बचाने के लिए जाना पागलपन होगा। तभी यहाँ पर ट्रेंजियो आता है और कहता है कि सारे फैसले कैप्टन ही ले रहा है, हम सब क्यों नहीं ले रहे। तभी वो सारे पैसेंजर्स को बुलाता है और यहाँ पर ये फैसला होता है कि सारे पैसेंजर्स वोट करेंगे और मिलकर फैसला करेंगे। लेकिन तभी अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं जो कि ये बता रहा था कि शायद प्लेन में कोई माल फंक्शन है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को चेक करते हैं और मैथ्यू को ये बात पता चलती है कि वो टेररिस्ट जिन्हें ये पीछे छोड़कर आ रहे थे
थे वो तो असल में इन्हें फॉलो कर रहे थे और उनमें से एक टेररिस्ट ने खुद को लैंडिंग गियर से अटैच कर लिया है और अगर वो वहीं रहा तो ये लोग सेफली लैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो स्पीड के साथ चलेगा जिससे कि ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी और हाई स्पीड की वजह से वो खुद ही गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो ये बात याद नहीं रखता कि इनके प्लेन की विंडो भी टूट चुकी है और जैसे प्लेन स्पीड से चलता है तो प्रेशर की वजह से वो विंडो टूट जाती है। प्लेन में हवा तेजी से आ रही थी और चीजें उड़ रही थी, पैसेंजर्स के लिए वहाँ पर स्टे करना मुश्किल हो रहा था। तब यहाँ पर मैथ्यू जल्दी से प्लेन की स्पीड को कम करता है और उसे लोअर एल्टीट्यूड पे लाता है। फिर हम जेकब को देखते हैं जो कि एक लकड़ी का बोर्ड विंडो के सामने रख देता है ताकि हवा इतनी स्पीड से अंदर ना आ सके। अब यहाँ पर जो बच्चा बीमार था उसके लिए सांस लेना मुश्किल था क्योंकि उसे सांस की ही प्रॉब्लम थी। तब यहाँ पर अयाज को एक प्लान आता है और वो उस बच्चे के लिए एक ऑक्सीजन पाइप का यूज करता है। तब ये देखकर उस बच्चे की मदर को काफी शर्मिंदगी होती है क्योंकि उसने पहले अयाज को अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहा था लेकिन आज अयाज ने ही उसकी मदद की। यहाँ पर कैप्टन उन सबको बताता है कि अगर हम इसी स्पीड के साथ चलते रहे तो हम हवाई में लैंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो अपनी लैंड करने की लोकेशन को चेंज करते हैं। और तो और हैंगिंग टेररिस्ट की वजह से इन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अयाज, जेकब और ट्रेंजियो अंडर कैरेज में जाते हैं। ये प्लेन के फ्लोर पर ही होल बनाते हैं ताकि उस टेररिस्ट को देख सके। ट्रेंजियो अपनी गन का यूज करता है लेकिन ये क्रिमिनल गन को छीन लेता है। वो ट्रेंजियो को मारने ही वाला होता है कि तभी अयाज आकर ट्रेंजियो की जान बचा लेता है और उस टेररिस्ट को शूट कर देता है। अब कुछ देर के लिए अयाज इन सबका हीरो बन चुका था लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर एक और सच पता चलता है और वो ये कि वो अरबी पैसेंजर जो पहले इनके प्लेन में था, ये जिसने डायमंड्स खा लिए थे, वो असल में अयाज की वजह से ही मरा था क्योंकि इन पैसेंजर्स ने उस अरबी पैसेंजर की बॉडी को कनाडा में ही दफन कर दिया था। लेकिन तभी उन्हें ऐसा करता एक लड़का देख लेता है और वो भी एक पैसेंजर होता है इसी प्लेन का। उस लड़के पैसेंजर ने देखा कि अयाज उस अरबी पैसेंजर की बॉडी को काट कर उसमें से कुछ निकाल रहा है। तब यहाँ पर अयाज बताता है कि असल में मैं डायमंड्स को स्मगल करता हूँ और जो डायमंड्स मैंने स्मगल किए थे वो उस अरबी पैसेंजर की बॉडी में थे। लेकिन अब क्योंकि उस अरब पैसेंजर ने इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो नहीं किया था इसी वजह से उसकी मौत हो गई और तब मजबूरन मुझे उसकी बॉडी से उन डायमंड्स को निकालना ही पड़ा। अब ये सुनकर सारे पैसेंजर्स को अयाज पर काफी गुस्सा आता है और कुछ पैसेंजर्स तो कह रहे थे कि इसको भी टेररिस्ट की तरह प्लेन से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन ज्यादा पैसेंजर्स तो अयाज के हक में ही थे। अब क्योंकि ज्यादा वोट ये थे कि इसे प्लेन में ही रहने दिया जाए इसीलिए उसे सिर्फ हैंडकफ्स कर दिया जाता है। इसके बाद ये लोग एक जगह पर लैंड करते हैं और वहां से ये प्लेन में फ्यूल डालते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि इनके पास जो क्लाइमेट एक्सपर्ट है वो एक बड़ी अजीब बात कहता है कि वो फ्रूट्स जो वो कनाडा से लेकर आए हैं उनका कोई टेस्ट नहीं है, यानी उनका कोई जायका नहीं है। उसका कहना था कि गामा रेज इतनी स्ट्रांग है कि उनकी वजह से फ्रूट्स का फ्लेवर भी चला गया और अगर ऐसा ही रहा तो गामा रेज फूड का मुकम्मल स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगी जिसके बाद वो शायद कुछ हफ्तों बाद ही भूख की वजह से मर जाए। मैथ्यू काफी देर से ड्राइव कर रहा था और वो उस क्लाइमेट एक्सपर्ट से कहता है कि हमने उस जगह पर जाना है जहाँ पर सूरज की रेज ना पड़ती हो, इसीलिए इन बातों के बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिर हम दूसरी पायलट को देखते हैं जो कि मैथ्यू से कह रही थी कि तुम काफी थक गए हो, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि काफी देर से वो प्लेन चला रहा था और उसे अब नींद आ रही थी थकावट की वजह से, और जाहिर सी बात है कि इस वजह से बाकी पैसेंजर्स की जान भी खतरे में थी। अब सारे पैसेंजर्स उसके पास आकर उसे काफी मनाते हैं और कहते हैं कि आपको सोना चाहिए। वो कहता है ठीक है मैं सो जाऊंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में, अभी मुझे प्लेन ही चलाना है। लेकिन तभी इन्हें एक और रेडियो सिग्नल मिलता है जिससे इन्हें कन्वर्सेशन तो ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, बस एक बात सुनाई दे रही थी जिसमें कहा जा रहा था 17। अब बहुत जल्द इन्हें समझ आ जाती है कि जो आदमी उनसे बात कर रहा है असल में वो एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में है। अब ये लोग काफी हैरान थे इस वजह से कि वो जिंदा है और लग रहा था कि शायद वो जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम से बात कर रहा है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग नेटो के हेडक्वार्टर तक जाएंगे, यानी जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। वहां मैथ्यू जो कि वॉशरूम में गया था, ये सब लोग आकर देखते हैं कि वो तो बेहोश पड़ा हुआ है वहां पर। असल में उसके हाथ पर जो गोली लगी थी उसकी इंजरियां पहले से ज्यादा सीरियस हो गई थी जिसकी वजह से पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में ही फैल रहा है। तब इन पैसेंजर्स में से जो नर्स होती है वो कहती है कि अगर हम लोग किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाए तो मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगी। अब दूसरी पायलट जिसका नाम सिल्वी है वो काफी परेशान होती है ये सोचकर कि मैथ्यू के बगैर मैं प्लेन अकेली कैसे चलाऊंगी। तब सारे पैसेंजर्स उसे इंसिस्ट करते हैं कि तुम्हें ट्राई करना होगा, अगर तुम्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी तुम्हें ये प्लेन चलाना है क्योंकि अब तुम भी हमारी एक आखिरी उम्मीद हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वी यूट्यूब पर वीडियोस देखती है जिससे कि वो ये समझ रही है कि उसे कैसे प्लेन को लैंड करना है। अब वीडियो दिखना तो आसान था, जब प्लेन को उड़ाना था, उसे लैंड करवाना था, तो ये सब तो बहुत मुश्किल था, इसीलिए सिल्वी काफी घबरा रही थी। अब ये लोग लैंड तो करते हैं लेकिन ये लैंडिंग काफी शेकी सी थी, लेकिन किस्मत से सारे पैसेंजर सेफ थे और सारे खड़े होकर सिल्वी के लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर टाइम जया ना करते हुए ये खुद को तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी इन सब ने अलग अलग टास्क परफॉर्म करने थे जिसमें से कुछ ने तो प्लेन के फ्यूल को रिफिल करना था जबकि कुछ लोगों ने मैथ्यू को हॉस्पिटल पहुंचाना था और जो ट्रेंजियो और अयाज थे उन्हें नेटो के हेडक्वार्टर जाना था। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि जमीन पर पड़े हुए हैं और सारे के सारे मर चुके हैं। तब नर्स उन सबसे कहती है कि इन्हें देखकर परेशान मत हो और मेन फोकस ये रखो कि हमने मैथ्यू की जान बचानी है। फिर वो बच्चा जो बीमार था उसकी मदर को हम देखते हैं जो कि अपने बच्चे के लिए अलग अलग चीजें जमा कर रही है जैसे कि दवाइयाँ और वो चीजें जो उसके लिए जरूरी है। उधर हम देखते हैं नेटो के हेडक्वार्टर को जहाँ ट्रेंजियो
जो सबको कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। अब इनके पास इतना टाइम नहीं था कि ये सारी फाइल्स को चेक करते, इसीलिए ये सर्वेलेंस वीडियो को देखने का डिसाइड करते हैं कि शायद इन्हें उन वीडियोस में कुछ मिल जाए। तब इनमें से एक मेंबर थोड़ा दूर होता है तो हम देखते हैं कि ट्रेंजियो की अयाज के साथ फाइट हो जाती है। यहाँ पर ट्रेंजियो एक्सीडेंटली अयाज को हिट करता है जिससे कि अयाज बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगता है। वहाँ इनका एक दूसरा मेंबर जो कि एक रिकॉर्डिंग लेने में कामयाब हो जाता है। असल में इस रिकॉर्डिंग में कुछ ऑफिशियल्स बातें कर रहे थे। ये बातें एक डैम के नीचे बने बंकर के बारे में थी और उसी जगह का नाम था स्टारा 17, यानी सेम वही जगह जिसके बारे में इन्होंने रेडियो में भी सुना था। अब जिस लड़की ने ये रिकॉर्डिंग ली होती है उसका नाम रिक होता है। अब इन्हें जाकर ये बात अपने बाकी मेंबर्स को बतानी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रेंजियो आकर रिक को बताता है कि मैंने अयाज को मार दिया है। तब रिक आकर देखता है कि उसकी पूरी बॉडी खून में लथपथ है। वहाँ हम देखते हैं कि मैथ्यू की हालत अब पहले से बेहतर है। इसके बाद मैथ्यू को प्लेन में लाया जाता है, बाकी सब मेंबर्स भी प्लेन में वापस आ जाते हैं। ऑपरेशन के बाद मैथ्यू काफी बेटर फील कर रहा है। ट्रेंजियो सबको बताता है कि अब हमें अयाज का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो वापस नहीं आएगा। सभी लोग परेशान थे कि आखिर क्यों अयाज वापस नहीं आएगा। और जब मैथ्यू इंजन स्टार्ट करता है तो ये सारे लोग देखते हैं कि अयाज इनके प्लेन के बिल्कुल सामने था। अब अयाज को प्लेन में ले लिया जाता है और ट्रेंजियो के हाथ बांध दिए जाते हैं। यहाँ पर सिल्वी उन सबको बताती है कि अगर हमारे बल्गेरिया के प्लेन ने काम ना किया, यानी डैम में मौजूद उस बंकर में जाने का, तो हमारे पास इतना फ्यूल नहीं होगा कि हम फर्दर किसी और जगह पर जा सकें। और जैसे ये लोग लैंड करेंगे इनके पास सिर्फ 20 मिनट होंगे जिसमें कि ये भागकर बंकर की तरफ जाएं। यहाँ अयाज की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका था। यहाँ पर सारे लोग अयाज से पूछते हैं कि ट्रेंजियो ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसके बाद तुम उसे क्या सजा देना चाहते हो। तब ये सुनकर अयाज कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मरे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ उस बंकर के पास जाए। अब क्योंकि बंकर काफी दूर था तो इसीलिए जैसे प्लेन लैंड होता है तो ये सारे लोग गाड़ियों पर बैठकर बंकर की तरफ जाने लगते हैं। इन सारे पैसेंजर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, यानी कि दो गाड़ियों पर ये लोग जा रहे थे। इनमें पहली गाड़ी को सिल्वी ड्राइव कर रही थी और दूसरी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था अयाज। अब क्योंकि खून निकलने की वजह से अयाज की तबीयत खराब होती है, इसीलिए अयाज और उसके साथियों की गाड़ी क्रैश हो जाती है। लेकिन पहली गाड़ी जिसे कि सिल्वी चला रही थी वो काफी दूर पहुंच चुकी थी। सिल्वी जल्दी से एक टर्न लेती है और एक आधे खुले हुए गेट से अंदर एंटर कर जाती है। अब एक पैसेंजर इस गेट को टच भी करता है लेकिन वो पीछे की तरफ गिर जाता है क्योंकि उस गेट में करंट था। अब इन्हें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि इन्हें बटन को प्रेस रखना है जब तक ये सारे पैसेंजर्स अंदर नहीं आ जाते, और बटन प्रेस करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब तक बटन प्रेस रहेगा तो गेट भी ओपन ही रहेगा। यहाँ पर ट्रेंजियो कहता है कि मैं बटन को प्रेस रखूंगा और तब तक सारे पैसेंजर्स अंदर आ जाएं। यहाँ सिल्वी ट्रेंजियो के हाथों को बांध देती है क्योंकि उसे शक था कि कहीं ट्रेंजियो उन्हें धोखा न दे दे, इन्हें जैसा कि उसने अयाज के साथ किया। वो ट्रेंजियो से कहती है कि तुम्हें तभी आजाद किया जाएगा जब सारे मेंबर्स अंदर आ जाएंगे, यानी कि वो सारे मेंबर्स भी जो कि अयाज के साथ उसकी गाड़ी में थे। ट्रेंजियो के हाथों को बांधकर सिल्वी और बाकी सारे मेंबर्स अंदर चले जाते हैं। उधर अयाज अपने सारे मेंबर्स को लेकर लेफ्ट टर्न लेता है, यानी वो एक डिफरेंट टर्न लेता है और वो एक डिफरेंट गेट से डैम के बंकर में एंटर करता है। अब क्योंकि ये लोग किसी और गेट से आए थे इसीलिए ट्रेंजियो वहां पर अकेला रह गया था, जबकि वहां पर सारे मेंबर्स अब बंकर के अंदर पहुंच चुके थे। अब इन सभी लोगों को फाइनली मिलिट्री के लोग वेलकम करते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि आप सब अब बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन ट्रेंजियो तो बाहर ही रह गया था। वो यहाँ पर अपने गॉड से अपनी की गई गलतियों की माफी मांगता है और सूरज को फेस करने के लिए तैयार होता है। अब प्लेन के सारे पैसेंजर्स तो बच जाते हैं लेकिन सूरज की रेस की वजह से ट्रेंजियो मारा जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक